subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. Hey everyone, today we are going to learn the concept of total internal reflection. Reflection, remember, we are going to learn about reflection of light. Now, what exactly is total internal reflection? Let us understand. Now, if I'm going to consider a surface that is XY. Now, what exactly this surface is doing? The surface is separating our two medium, that is rarer medium and denser medium. That is, we are going to take an example of a swimming pool. That is the upper layer of water above which we have entire air and below which we have entire water. मतलब ऊपर पूरा का पूरा एयर आ गया, नीचे पूरा का पूरा पानी आ गया, मतलब इसमें सेपरेट कर दिया हमारा रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम. नाउ आई एम गोइंग टू कंसीडर अ सोर्स ऑफ लाइट इनसाइड द डेंसर मीडियम. नाउ व्हाट एग्जैक्टली दिस सोर्स ऑफ लाइट इज गोइंग टू डू इज दिस सोर्स ऑफ लाइट इज गोइंग टू एमिट लाइट इन अ डाइवर्जिंग मैनर. हमेशा जब भी एक पॉइंट सोर्स होता है ना, वो हमेशा लाइट डाइवर्जिंग मैनर में लेके जाता है. जैसे टॉर्च, टॉर्च को चालू किया तो लाइट सीधा नहीं जाता, लाइट क्या होता है, इसे डाइवर्ज होता है. डाइवर्ज होता है मतलब बाहर की तरफ जाता है. तो हमेशा एक पॉइंट सोर्स लाइट हमेशा डाइवर्ज करता है, बाहर की तरफ लेके जाता है. इन द सेम मैनर हम लोग का पॉइंट सोर्स क्या करेगा, लाइट को बाहर की तरफ लेके जाएगा, मतलब इट इज गोइंग टू एमिट द लाइट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. अभी अगर ये पॉइंट सोर्स ने बाहर की तरफ लाइट एमिट कर रहा है, लेट मी से इसने अपना पहला रे एमिट किया सीधा, ओके, आया सीधा परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अभी जो लाइट सरफेस पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे टकराता है, वो इधर उधर कहीं पे भी बेंड नहीं होता, वो सीधा सीधा निकल जाता है. तो पहला रे आया सरफेस पे, स्ट्राइक हुआ एट पॉइंट ए, आके टकराया, सीधा आके टकराया, सीधा सीधा ही निकल गया. तो जैसे ही सीधा सीधा निकल गया, ये हो गया हम लोग का पहला रे. अभी दूसरा रे कैसे आएगा, दूसरा रे आएगा डाइवर्जिंग मैनर में. डाइवर्जिंग मैनर में मतलब सोर्स से दूसरा रे आ गया, आके स्ट्राइक किया हमारे पॉइंट बी को. जैसे पॉइंट बी को स्ट्राइक किया, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड एज नॉर्मल टू द सरफेस. जैसे ही स्ट्राइक हुआ, अभी क्या होगा, ये बाहर की तरफ आएगा, लेकिन बाहर की तरफ आके बेंड होगा, बेंड होगा, लेकिन कहां पे बेंड होगा, whenever a ray of light travels from denser medium to rarer medium, the ray of light bends away from the normal, matlab normal se dur bend hoga. To light normal se dur bend ho gaya hai. Agar light normal se dur bend ho gaya hai, I am going to say angle of incidence hai I1, angle of refraction hai that is R1. Abhi hum log bolenge hamara next ray aaya. नेक्स्ट वे आया और ज्यादा इंक्लाइंड आया. क्यों और ज्यादा इंक्लाइंड आया, क्योंकि क्या हो रहा है, डाइवर्जिंग मैनर में जा रहा है, मतलब और ज्यादा बेंड हुआ, आके सरफेस को स्ट्राइक किया एट पॉइंट सी. जैसे ही पॉइंट सी पे स्ट्राइक किया, द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू ड्रॉ इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस कॉल्ड एज नॉर्मल टू द सरफेस. अभी जैसे ही स्ट्राइक हुआ, ये वाला रे और ज्यादा बेंड हो गया है, मतलब रिफ्रैक्टेड रे और ज्यादा बेंड होगा, मतलब इसका रिफ्रैक्टेड रे और ज्यादा बेंड हो गया है, मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज I2 एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज R2. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू से और एक रे आया, आके स्ट्राइक हुआ हमारे सरफेस को एट पॉइंट D. अभी जैसे ही आके स्ट्राइक हुआ एट पॉइंट D, ये वाला रे और ज्यादा बेंड हो गया है, मतलब रिफ्रैक्टेड रे और ज्यादा बेंड हो जाएगा. लेट मी से रिफ्रैक्टेड रे इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द नॉर्मल. ठीक है, जैसे पॉइंट डी मार्क किया हमने, सबसे पहले बना दिया नॉर्मल, सो इट गॉट बेंड बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ओके, दैट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल. ओके, जैसे ही हम लोग का 90 डिग्री पे बेंड हुआ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, सच एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस. So at critical angle of incidence, the angle of refraction is equals to 90 degree. Let me say, और एक ray आया, ये वाला ray आके strike हुआ surface को at point E. जैसे point E पे strike हुआ, the first thing we are going to do is, we are going to draw a line perpendicular to the surface called as normal to the surface. ये वाला रे क्या है, और ज्यादा बेंड है, मतलब क्या होगा, जब ये रिफ्रैक्ट होगा तो और ज्यादा बेंड होगा, लेकिन जैसे ही ये बेंड हुआ, हम क्या देख रहे हैं, 90 से भी नीचे और बेंड हुआ. बट व्हाट वी ऑब्जर्व इज, ये रिफ्रैक्शन नहीं है, ये क्या है, रिफ्लेक्शन,
मतलब द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, हम लोग को इसके बाद रिफ्रैक्शन नहीं मिला, हमको मिला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मीन्स वॉट? If the angle of incidence exceeds critical angle of incidence, then we get our total internal reflection. अभी टॉपिक का नाम समझा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो इसका बेसिक फंडा क्या है? The angle of incidence at which angle of refraction is 90 degree is called as critical angle of incidence. And if the angle of incidence exceeds critical angle of incidence, we don't get refraction, we get reflection of light. And such a phenomenon is called as total internal reflection of light.